दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं मारुति सुजुकी अरिना चौगुले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अंबेगांव पुणे। दोस्तों ये इनका बहुत ही बड़ा और स्पेशियस शोरूम है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कार्स डिस्प्ले पे मिलेंगी। ये शोरूम आपको न्यू कार के साथ बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि कार डिटेलिंग, सुटेबल एक्सेसरीज, बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स, कस्टमाइज्ड फाइनेंस ऑप्शंस, मैक्सिमम ऑन रोड फंडिंग, कैश डिस्काउंट, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड यूज्ड कार एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ पर इनका एक्सेसरीज डिपार्टमेंट देख रहे हैं। दोस्तों आज हमारे सामने है इंडियाज नंबर वन हैचबैक न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी ने ऑफिशियली फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट को इंडिया में 9 मई 2024 को लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, प्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और फोर्थ जनरेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले हम जानने वाले इस कार के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के कॉम्पिटिटर्स है हुंडई ग्रैंड आई टेन न्यूस, मारुति बोलेनो, टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर, मारुति फ्रॉन्क्स। फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट अवेलेबल है 11 वेरिएंट्स में। बेस्ट वेरिएंट है स्विफ्ट LXi। बेस्ट वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 6.49 लाख रुपीज। इस लाइनअप का टॉप वेरिएंट है स्विफ्ट ZXi प्लस ड्यूअल टोन AMT। टॉप वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 9.64 लाख रुपीज। आज हमारे सामने है मारुति स्विफ्ट ZXi प्लस। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 8.99 लाख रुपीज। इसके साथ ही ये कार 9 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका मैग्मा ग्रे कलर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। सबसे पहले हम बात करने वाले इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। हेडलाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, फॉग लाइट्स और टेल लाइट्स आपको इस वेरिएंट में LED मिलते हैं। फ्रंट में सुजुकी का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको ग्रिल मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लगता है। फोर्थ जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्टी डिजाइन के साथ आती है। अब हम बात करने वाले इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। 15 इंच के बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश, अट्रैक्टिव अलॉय व्हील्स आपको इस कार मिलते हैं। अलॉय व्हील्स के ऊपर सुजुकी का लोगो मिलता है। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 185/65 R15 की। फ्रंट में आपको मिलता है MacPherson स्ट्रट सस्पेंशन, रियर में मिलता है टॉर्शन बीम सस्पेंशन। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। इस कार की मिनिमम टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर्स है। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग के साथ ये कार आती है। कार की साइड प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। टर्न इंडिकेटर माउंटेड, बॉडी कलर्ड ORVMs, डोर हैंडल की डिज़ाइन, एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर्ड में मिलता है। डोर की इंटरनल डिजाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं, डोर हैंडल विथ क्रोम फिनिश। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs के साथ ये कार आती है। लॉक अनलॉक का बटन, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, स्पीकर्स। डैशबोर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगता है। काफ़ी कंफर्टेबल सेटिंग के साथ ये कार आती है। इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंटर लॉकिंग कीलेस मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के कंट्रोल्स, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, एसी वेंट्स की डिज़ाइन। कार का इंटीरियर पूरा सिंगल टोन ब्लैक कलर में मिलता है। अब हम बात करने वाले इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस कार में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप के साथ ट्रिप मीटर मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, डिजिटल क्लॉक आपको इस कार में मिलती है। इसके साथ ही लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस मिलती है, स्विफ्ट इंडिकेटर मिलता है, टैकोमीटर एनालॉग मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। टेलीमेटिक्स में OTA अपडेट्स मिलते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सुजुकी का लोगो स्टेयरिंग के ऊपर मिलता है। क्रूज कंट्रोल के साथ ये कार आती है। इसके साथ ही आपको इस कार में Alexa कॉम्पैक्टिबिलिटी मिलती है। स्टेयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। अब हम बात करने वाले इस कार के इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। बहुत ही बढ़िया 9 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इस कार मिलता है, जो आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ, वो भी वायरलेस। डिस्प्ले थोड़ा ड्राइवर साइड टिल्ट मिलता है। हजार्ड लाइट का बटन, एसी वेंट्स की डिजाइन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। कंट्रोल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। वायरलेस चार्जर के साथ ये कार आती है। फ्यूल लोड का चार्जिंग सॉकेट, USB टाइप पोर्ट आपको फ्रंट में मिलता है। वायरलेस चार्जर, मोबाइल रखने के लिए जगह, ट्विन कप होल्डर। कीज की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। लॉक अनलॉक का बटन, सुजुकी का लोगो कीज के ऊपर मिलता है। कीज में कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगे। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स आपको इस कार में मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस की फंक्शनिंग हम डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस काफी कारगर फीचर है नए ड्राइवर के लिए, कि काफी यूजफुल है। पार्किंग ब्रेक, USB टाइप और C टाइप चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए जगह, रियर एसी वेंट्स। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। फ्रंट और रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ग्रैब हैंडल की डिजाइन,
को पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर और एयरबैग्स कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलते हैं, केबिन लाइट्स, मैन्युअली इंटरनल रियर व्यू मिरर। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलता है। कार की फिट और फिनिश काफी बढ़िया है, सिल्वर एलिमेंट आपको इंटीरियर में मिलता है। ग्लो बॉक्स की डिजाइन, ग्लो बॉक्स में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है, डैशबोर्ड की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। 8-way मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट और 6-way मैन्युअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट आपको इस कार में मिलती है। अब हम चलने वाले इस कार के रियर सीट्स की ओर, देखेंगे रियर सीट्स के ऊपर कितना स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है। मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स हम फ्रंट सीट्स की देख रहे हैं। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है, काफी प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ ये कार आती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर्ड मिलते हैं, कार की साइड प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। डोर में काफी चेंजेस किए हुए हैं, डोर की इंटरनल डिजाइंस, इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है। रियर रो सीट टाइप आपको बेंच वाले मिलते हैं, इंटीरियर सिंगल टोन में मिलते हैं, इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर में मिलता है। रियर सीट हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के डैशबोर्ड की डिजाइन देख रहे हैं, डैशबोर्ड की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। मोबाइल रखने के लिए जगह, रियर एसी वेंट्स, ग्रैब हैंडल की डिजाइन, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। बहुत ही बढ़िया लेगरूम आपको इस कार में मिलता है। रियर सीट बैक पॉकेट्स, सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स। कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। पार्सल ट्री की डिजाइन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फ्रंट और रियर में काफी कंफर्टेबल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। रियर सीट हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल की डिजाइन, स्प्लिट रियर सीट रेशियो 60:40 का है। अब हम चलने वाले इस कार के रियर की ओर, देखेंगे कि रियर में आपको कैसे लुक्स मिलते हैं, इसके साथ ही बूट स्पेस आपको कितनी मिलती है। एक्सटीरियर में रूफ माउंटेड एंटीना बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं। स्विफ्ट में आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। एलईडी टेल लाइट्स के साथ ये कार आती है। टेल लाइट्स की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। रियर में सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग, एलईडी टेल लाइट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिफ्लेक्टर। 163 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस आपको इस कार में मिलता है। रूफ माउंटेड एंटीना, छोटे से रूफ रेल्स, स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा। कार की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। अब हम चलने वाली इस कार के बूट स्पेस की ओर, देखेंगे कि बूट में आपको कितनी जगह मिलती है। आपको इस कार में मिलता है टोटल 265 लीटर्स का बूट स्पेस। पार्सल ट्री की डिजाइन, कार की इंटीरियर्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको इस कार में 5 डोर्स मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। मिंडा के एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ सीटिंग रोज 2 मिलते हैं। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स की है। बूट लाइट्स, ग्लॉसरी बैग हैंग करने के लिए आपको बूट में हुक्स मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार मिलता है। लॉकिंग की अरेंजमेंट, डोर हैंडल, अनलॉक का बटन, लॉकिंग की अरेंजमेंट, डोर सपोर्ट करने के लिए रियर में मैकेनिज्म मिलता है। कार के रियर लुक्स काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। काफी स्पोर्टी लुक के साथ ये कार आती है। अब हम बात करने वाले इस कार के डायमेंशंस के बारे में। इस कार की लेंथ है 3.86 मीटर्स, विड्थ है 1.735 मीटर्स, हाइट है 1.52 मीटर्स, व्हील बेस है 2.45 मीटर्स। इस कार का कुल वेट है 920 kg। कार की साइड प्रोफाइल हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव लुक्स के साथ ये कार आती है। डोर हैंडल बॉडी कलर्ड में मिलते हैं। डैशबोर्ड की डिजाइन, काफी कंफर्टेबल सीटिंग आपको इस कार मिलती है। बोनेट ओपन करने के लीवर, फ्यूल लिड ओपनर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सुजुकी का लोगो स्टेयरिंग के ऊपर मिलता है। लेदर वेपर स्टेयरिंग व्हील के साथ ये कार आती है। बॉडी कलर्ड ORVMs आपको इस कार में मिलते हैं। ORVM माउंटेड टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। कार के फ्रंट लुक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। सुजुकी का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक कलर में ग्रिल काफी स्पोर्टी लगता है। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, एलईडी हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स काफी अट्रैक्टिव लगती है। अब हम चलने वाली इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। आपको इस कार मिलता है 1197 cc का 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व DOHC Z सीरीज पेट्रोल इंजन।
ये जेड सीरीज इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 80 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 111.7 न्यूटन मीटर। इस कार की ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 24.8 किलोमीटर पर लीटर और ड्राइविंग रेंज है 918 किलोमीटर। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये कार आती है। ब्रेक ऑयल टैंक, वाइपर वाटर फिल करने की जगह, ऑयल लेवल चेकर, इंजन ऑयल टैंक, लॉक ऑन लॉक के अरेंजमेंट, रेडिएटर, कूलन टैंक, बैटरी की पोजीशन। आपको इस कार में ट्रांसमिशन मैनुअल 5 गियर्स के साथ मिलता है। इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। इसके साथ ही आइडियल स्टार्ट स्टॉप आपको इस कार में मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इस कार के सेफ्टी के बारे में। ओवरस्पीड वार्निंग के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, रियर मिडल 3-पॉइंट सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग आपको इस कार मिलती है। कार के फ्रंट लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब हम बात करने वाले इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। आपको इस कार में एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्रेक असिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम मिलती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये कार आती है। हीटर आपको इस कार मिलता है। वैनिटी मिरर सनविजर सिर्फ को ड्राइवर को मिलता है। पार्किंग असिस्टेंस के लिए रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिलता है। पार्किंग सेंसर्स आपको रियर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल के साथ ये कार आती है। इसके साथ ही आपको इस कार में हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन का रिमाइंडर मिलता है। कीले स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, टिल्ट की मिलती है। टेलोल का पावर आउटलेट आपको फ्रंट में मिलता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। आपको इस कार में 2 साल की 40,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। कंफर्टेबल सीटिंग, अट्रैक्टिव लुक्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली मारुति सुजुकी 4th जनरेशन स्विफ्ट आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स अभिजीत चेंबूरकर सर, मैनेजर, किरण टेकवडे सर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑल द स्टाफ ऑफ मारुति सुजुकी एरिना, चौगुली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड चौगुली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मारुति सुजुकी एरिना, चौगुली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अंबेगांव पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की मारुति सुजुकी कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।